हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ और मैं बीना श्री। तो अभी जो है देखिए मेरा खाना बन रहा है, ये देख लीजिए। इसमें चावल और इसमें दाल बन रहा है और दाल चावल के साथ साथ जो है आज हम सोचे कि साग बनाया जाए। तो चलिए आज हम आप लोग को अपना बाड़ी में साग लगाए हैं और वो साग काटेंगे और उसको काट के कैसे बनाएंगे, तो वो सब जो है देहाती साग कैसे बनता है और बड़ा ही टेस्टी बनता है, तो कैसे बनेगा। तो आप लोग जो है हमारे चैनल में नए होंगे तो आप लोग हमारे सिमरन ऑफिशियल चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग जो है हमारे चैनल में बनल रहिए, ताकि हम जो है अभी साग काटेंगे और साग को जो है पूरा, चलिए दिखाते हैं आप लोग को कैसे काटने चलते हैं। ये देखिए डगड़ा ले लिए, ये है डगड़ा और इसके साथ जो है ये हसुआ। इससे जो है हम अभी साग को काटेंगे, तब तक जो है मेरा दाल चावल बन गया है और चलिए साग को काट के लाते हैं, उसके बाद जो है बनाएंगे और आप सबको भी बनाते हुए दिखाएंगे कि कैसे हम लोग गांव घर में साग बनाते हैं। तो चलिए अभी साग काटने चलते हैं, बस आप लोग बनल रहिए हमारे ब्लॉग में। देख लियो दर्शक बंधु, अखन जो है हम साग के खेत में आबि गेलो हन और ये बाड़ी में देख लियो कते हरियर हरियर साग है, देख लियो। और ये साग जो है एक रंग से एकदम बनल छे, देख लियो। और एक ठरिया के साग कहे छे, यानी गेंहरी के साग भी, गेंहरी के साग छे छोटा छोटा। और चलो अपने सबके जैसे पाछा के कैमरा करके दिखावे छे कि देखिए हमारा बाड़ी में कते हरियर कंचन साग छे, देख लियो, यानी हरा हरा साग छे। और देखियो थोड़ा सा जो है हम काट ली हन, देख लियो। और अपने सब जो है एकदम देख लियो कते सुंदर जो है हरियर हरियर पूरा साग है हमारा बाड़ी में, देख लियो। ये देखियो बहुत दूर तक ही साग भेल छे, देख लियो। और पानी जो पड़ल हन, पानी पर एकदम हरियाली हो गया हन, हरियर छे। कचरा सब जो छे साफ कर दे, देख लियो आम के पत्ता सब गिरल छे। ताई जे छे चलू अपने सबके साग काट के और केना बनावे छी और सब देखे के मिलत, बस अपने सब बने रहो ब्लॉग में, देख लियो कते दूर में छे साग। और हाँ दर्शक बंधु, ककरा ककरा साग पसंद है अपने सब कमेंट में जरूर लिखो। अखन जे छे हम साग काट रहल छी, सबसे बड़ा बात ई साग जे छे अपने सब दर्शक बंधु कहे थे बा कि मतलब साग बिना श्री जी छिटने छथिन, छिटने नहीं छी। अगला साल के साग जे अगला साल किए छली वह साग छे। और देखियो कहे छे कि धरती माता ही से कहे छे कि अन्न के कभी भी अपमान नहीं करबाक चाहिए, क्योंकि अनाज जे छे अन्नपूर्णा माता के वरदान छे दर्शक बंधु। और अन्नपूर्णा माता के देख लियो ई कते संभाल के रखे छथिन, हम अहाँ अगर लाबे छिए तो कतौ राख देली बर्बाद भ गया छिटा गया ओकरा बारहन झाड़ू से फेंक दे छे अपना सब। लेकिन देखियो अन्नपूर्णा माता के चमत्कार देखियो, जी साल भर धरती तौर में संजोग के रखलखिन और अचानक ही साग देखिए कते उगले हैं, ताकि लागे छे कि पूरा एकदम छिटायल छे बीज, लेकिन ये छिटायल नहीं छे। और इस साग जो है जत्ते बेर काटियो इस साग के उत्ते ही चतरे छे, कम से कम 10 बेर साग काट चुकी है। और देखियो देख लियो दर्शक बंधु, हम जो है साग काट कर तो लो एलो हन खेत से और अब जो है एक साफ करो, देख लियो एमे जो है कचरा सब है, सब घास सब, ये घास सब के जो है हमें साफ करे पड़त। और देखियो कते ढेर सारा साग ले ली है। और साग ककरा ककरा पसंद है कमेंट में जरूर लिख, क्योंकि अपना हाथ के साग जो है खाए में बड़ा ही टेस्टी लगे और देखियो कते हरियर हरियर साग है, मन एकदम हरसा रहा है हरियाली देख। हम जो एक बनाबे में जो टाइम लगते, देख लियो अखन हम बना रहे हैं साग के जो है साफ कर रहे हैं, देखिए। साग हम लो अल हन और साग के साफ करे छी। और अहाँ सबसे बात करत करत देख लियो ढेर सारा साग तोड़ ले ली है और बड़ा ही हरियर हरियर साग है। तो चलो आज सोच ली साग बनाएल जाए, ये देखियो हाँसू भी हम साथे लो आएल जाए। और साग की जो है पहले हमर दादी नानी सबके कहे छलखिन कि साग काट के लाबी तो साग के जे छै साग जे छै हम एमे के सारा कचरा सब बीछ देली हन, धो देली हन, यानी धोली हन नहीं धो ले एली हन कल पर, ई देख लियो। अखन जे छै अब एकरा हम साफ कऽ के लेली हन, एकरा अच्छा से बाल्टीन में पानी भर के और धोअब
मम्मी से फोन चला रही हूँ, देखिए पानी भेज रही हूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है मेहनत से अगर बने तो बड़ा ही टेस्टी लगे छे, और देख लियो हमारे फल है। चलिए अहाँ सबके शहर में जे भी अगर हमर शहर से देखे थे वीडियो तो वीडियो में जे है देख लियो। शहर वालों के लिए जे है कहे छे कि ईंट के जे है बाथरूम बने छे, लेकिन हमरा सबके गांव के लिए जे है यह बाथरूम छे। और देखियो ये बाथरूम की शहर से कम छे, अरे अठम पर्दा टांग दिलो और नहा लेलो। तहन देखियो और पानी भी ताज़ा ताज़ा मिले, क्योंकि अपना कहे छे अपना मिथिला के जैसा पानी के स्वाद कतौ नहीं मिले, चाहे देश विदेश जाओ। बताइए दर्शक हो रही है, देखिए अभी साग के जे छे हम धो धो के और साफ से जैसे धो के रख, क्योंकि साफ से धोबे तो में जे रहे कि मतलब अब नीचे में छे एक पेड़ नीचे में लागल रहे छे, तो वही पर जैसे कचरा धूल मिट्टी पड़ल रहे छे, और वही चलते जैसे एक धो ली अच्छा से देखिए, तो चलते हम थोड़ा थोड़ा करके धो, अगर एक बेर डाल देवे तो अच्छा से धोए आदमी, तो चलते देखिए अच्छा से धो रहे। और आई जैसे हमारे खानों में भी लेट भ गए, लेकिन अब मन जो चटपटा है मन के की कह सकते हैं दर्शक बंधु। ढेर सारा है, हम साग देखने जो है काट लेलो हाँ, ताकि अच्छा से जो है एक पत्ता पर के सब धोआ जाए, थोड़ा थोड़ा सा हम धो रहे हैं। और एक धो के अलग ही चलते रखे कि कते गांव घर में हमारे माता बहन सबके देखे छियन कि वो सब करे कि कड़ाही चढ़ेने रहल चूल्हा पर बस झट सन साग के पानी में डूबेलक, और वो पानी में से जे छे लोहिया में यानी कड़ाही में धो दू। तो वैसे की हैत कि बहन ये साग में मतलब ढेर सारा पानी छूट जात लोहिया में, वही में जे तेल के पते नहीं चलत और बेस्वाद भ जात, ते चलते पानि जे छे बढ़िया से गाड़ि दियो। एना की हैत कि मेहनत भी ज़्यादा देर लागत, अत्ते तक करबे करलिए मेहनत, और अगर एक पानि नहीं गरलिए और जल्दीबाजी में जे छे कते गोरा करे छथिन कि कड़ाही चढ़ा दिलक, और कड़ाही पर जे छे कड़ाही में तेल प्याज जरि रहल है ना, धरपर के कारण जे छे जल्दी से साग के ओहिमे जल्दी से भिगा कर और धोबो नहीं कलक, यानी वो जे छे वो ढंग से धोबो नहीं कल। और अगर मान लिया तो मेहनत से कटलिए एक अच्छा से साफ नहीं करबे नहीं डालबे तो वो जे छे बेकार लागत, तो चलते देखिए। तो कते गोरा करे छथिन कि जते हमर माता बहन सब छथिन वो ज़्यादातर जे जकरा नहीं मतलब छे तो धरपड़ के कारण कि मतलब मेहनत नहीं हुआ ते के कारण जे छे वो सब करे छथिन कि जल्दी से जे छे कड़ाही में मतलब डाल दिलक, और डाल दिलक ओय के बाद जे होय छे जे पानी छूटल, पानी छूटल तो ढेर सारा पानी धोल, अखन एक बाल्टीन से हम और धोब, और बस अपने सब बनल रहू ब्लॉग में अखन जे छे धो के और बनाएब हम, चलू केना बनेबे बस बनल रहू ब्लॉग में। तहन चलू अब जे छे हमर साग धुआ गेल और ओहिमे जे छे राखि लेली हँ, और अब जे छे एकरा हम चूल्हा पर बनाएब, और आई जे छे अपने सबके काटे से लऽ कऽ धुए तक और धुए से लऽ कऽ जे छे बनाबे तक के साग जे छे अपने सबके देखा रहली हन। तो बस अपने सब ब्लॉग में बनल रहू कि अब जे छे हम साग केना बनाएब, और कई तरह से जे छे हर आदमी के अपना अपना आइटम से बनाबे छथिन, लेकिन गांव देहात के साग जे छे कहे छे मिथिला हाट में जे छे अगर जाइ छिए तो मिथिला हाट में जे छे अपने सब देखे छिए गांव घर के जे छे। चलू आइ जे छे साग देख लियो दर्शक बंधु, अखन जे छे हम आबि गेलहुँ साग के धोकर, और कड़ाही जे छे देख लियो तेल गरम हो रहल हन, और एहिमे देख लियो प्याज काटि के रखलहुँ हन और सूखल मिर्ची। तो चलू अपने सबके जे छे साग बनाबैत देखाबै छी, देख लियो मिर्ची काटि रहल हन,
और अब जो है देख लियो प्याज काट के रख लिया, अखन जो है प्याज पाक रहा हन और एक थाली में निकाल देख ली ताकि और पानी जो है में गिर गया है, तब तक प्याज पाक रहा है, लगे कि प्याज भी पक गया है, ज़्यादा भूरा भ जाता है जैसे प्याज तीतापन आ गया है, तो चलते भूरा ही प्याज के रहे के चाहिए। और देखिए जैसे यहाँ साग डाल जैसे कर दे सारा प्याज करी थोड़ा सा मिला दिली हन और अब जैसे सब साग हम ऊपर से डाल दे जैसे देर में लगे बेसी, लेकिन साग जैसे डाल के कम हो जाए और अखन जैसे लगे कराही से ऊपर फेंक रहा हम देख लीजिए। देखिए तौर वाला में कत्ते पानी चले हैं, अब जो है एक हम गले के लिए जो है ढक दे ताकि देख देते तो अपने नीचा चल देते। और हाँ दर्शक बंधु अपने सबके कहै छलहुँ ना कि पानी जो है तो देख लियो बाल्टी में कते पानी छलै, अगर अत्ते पानी जो है साग के साथ अगर उझेल दीतिए तो कते देर लगते और बेसुवाद भ जाए। तो अपने सब जो है साग के अब गले तक जो है इंतजार करे पड़त, बनल रहू अपने सब ब्लॉग में। और अखन जो है टाइम लागत और ये सीझ जाए तैके बाद जो है देखे के मिलत अपने सब, तो अपने सबके ककरा ककरा साग पसंद आया अपने सब कमेंट में जरूर लिखा। और साथ में हमारे दोनों चैनल पर जो है अपने सब प्यार दुलार आशीर्वाद दिया सपोर्ट करूँ ताकि आगे से आगे बढ़े। और जो है अब गल के तैयार हो गया बहुत बन गया बहुत, चलो आओ देखा। अरे वाह ये देख लियो ये हम डालने छलिए तो कत्ते साग लागे छले हमें देख लियो। और अखन जो है इन्हें हम नमक दे ताकि और ही फैल जाए। हम देख लियो साग जो है गल के एकदम तैयार भ गया है, देख लियो अब थोड़ा सा जो है एक और मिलावे पड़त।